The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So dosto, libido ya sex drive jise kehte hain, iske bare mein baatcheet karna kai logon ke liye bahut hi अजीब हो जाता है, कई लोग इसके बारे में बात नहीं कर पाते, लेकिन ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो पेशेंट्स डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन सब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मतलब हर एक को देखने को मिलती है। ऑब्वियसली एक उम्र के बाद आपका लिबिडो तो कम होता ही है, राइट? एवरीवन हैज़ अ रिड्यूस्ड सेक्स ड्राइव आफ्टर एन एज, लेकिन कई सारे लोगों को ये पहले ही हो जाता है, कम सेक्सुअल इच्छा, सेक्स की इच्छा कम हो जाती है। और जी नहीं, किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के बाद, वैसेक्टॉमी हो जाए या ट्यूबेक्टॉमी हो जाए, ट्यूबल लाइगेशन हो जाए, इसके बाद में सेक्सुअल ड्राइव या इस तरीके की कोई भी कमी नहीं आती है, ठीक है? कमी क्यों आती है उसका कारण समझना हमें ज़रूरी, और ये नेचुरल चीज़ भी है कि आपके सेक्स हॉर्मोन्स या आपकी सेक्सुअल लाइफ जितनी एक्टिव होगी उतनी इच्छा होगी, राइट? और जब कारण इस तरीके के होते हैं, साइकोलॉजिकल कारण ज़्यादा होते हैं इसके, ना कि कोई फिजिकल कारण, राइट? और इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे और इसके इलाज के बारे में बातचीत करेंगे कि ऑब्वियसली देखिए, अगर किसी चीज़ का कॉज ही साइकोलॉजिकल है तो उसका इलाज भी थोड़ा साइकोलॉजिकल तो होगा ही, ऑब्वियसली। सो अगर हम बात करें लिबिडो यानी कि सेक्स की इच्छा मेन में, आदमियों में क्यों कम हो जाती है, नंबर वन इज अ फिजिकल इशू। फिजिकल इशू यानी नॉट इन देयर, वहाँ पर फिजिकल इशू नहीं, ऑब्वियसली चोट लगने पे, टेस्टिस पे कोई घाव आ गया, इन्फेक्शन हो गया, तब हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है उनका वज़न। मोटे हो जाने के बाद, वज़न बढ़ जाने के बाद सेक्स की इच्छा कम हो जाती है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें आपके इरेक्शन पे इफेक्ट कर सकती है। इरेक्शन प्रॉब्लम के साथ सेक्स की इच्छा कम हो सकती है, लिबिडो कम हो सकता है, और ये बेसिकली हो क्या जाएगा, कैसे होगा, नंबर वन लो एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी ही कम होगी, इच्छा कहाँ से आए, राइट? लो एनर्जी, उसके बाद लो सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली आपका इंटरेस्ट, लिबिडो, इच्छा मार देती है, राइट? और काफ़ी सारे केसेस में सिंपल सा ट्रीटमेंट है, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकल मैनेजमेंट, बीपी, शुगर का और कोलेस्ट्रॉल का, तो उससे करने से ठीक हो जाएगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो मेल्स में आती है वो है पोर्नोग्राफी। जी हाँ, पॉर्न बहुत बड़ा कारण है, बड़ा रोल है, कई लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई ये इसी के वजह से सब कुछ होता है, राइट? और कई बार पॉर्न एक्चुअल रीज़न भी है, कई रिलेशनशिप्स के बीच में आ जाता है पॉर्न, यानी एडल्ट मूवीज़, ब्लू फिल्म्स जो होती हैं, बेसिकली क्या हो जाता है, ये एक तरीके का सूडो लो लिबिडो, सूडो यानी एक्चुअल लिबिडो नहीं है, बट पहले ही लिबिडो कम हो गया, एक्चुअल लो लिबिडो, एक्चुअल सेक्स की इच्छा कम नहीं हुई, लेकिन आपको लगेगा कि कम हो गई कुछ समय के लिए, दिस इज लाइक दैट पॉर्न की वजह से, क्योंकि आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है, राइट? मतलब आप उस चीज में इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट तो है, बेसिक चीज समझो, जैसे कई लोग बोलते हैं कि मुझे इसमें मजा नहीं आता, मुझे उसमें मजा आता है, समझ रहे बात, मुझे इसमें मजा नहीं है, मुझे उसमें मजा है, नहीं ऐसा तो है नहीं कि सेक्स की इच्छा नहीं है, है, सेक्स में मजा नहीं है, है, लेकिन उनका एक्सपोजर एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी चीज़, हज़ारों चीज़ों को देख देख के उनके कुछ चीज़ें फिक्स हो गए कि भाई मुझे इसमें मज़ा आता है, मुझे उसमें मज़ा आता है, मुझे इसमें उसमें इसमें मज़ा नहीं आता। सो दैट इज़ अ स्यूडो लो लिबिडो। मतलब अगर दूसरे पर्सन को, मान लो दो पर्सन है, एक को इसमें मज़ा आता है, उस दूसरे को उसमें मज़ा आता है, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े, नहीं ऐसा नहीं, वैसा करेंगे, नहीं ऐसा करेंगे, और ना इसको मज़ा आ रहा ना उसको मज़ा आ रहा। सो येस, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ पॉर्न। बिकॉज पॉर्न नहीं था तब तक इतना नॉलेज नहीं था लोगों को, इतना एक्सपोजर नहीं था, इतना देखा दिखाया नहीं था, अब देख दिखा लिया है, तो अब ये इशू आ रहा है।
पॉर्न के वजह से सूडो लो लिबिडो हो जाता है और सेक्सुअली डेविएटेड हो जाते हैं कई लोग और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हैं, क्योंकि भाई पॉर्न मूवीज में तो सारी ही आइडियल लड़कियों को ये बिल्कुल मान लीजिए अप्सरा हूर परी गोरी चिट्टी एकदम पतली सेक्सी लड़कियों को रखा जाता है। आपको फिर इच्छा होती है कि नहीं हमारी भी जो पार्टनर होगी वो सेक्सी, चाहे आप कितने भी बदसूरत कितने भी भद्दे दिख रहे हो, फीमेल्स का भी ऐसे ही होता है। एक अनरियलिस्टिक आपका एक्सपेक्टेशन आ जाता है कई बार उससे एनकाउंटर जो अगर मान लीजिए इंटीमेट एनकाउंटर्स होता है वो उसमें नेगेटिव सेक्सुअल बिहेवियर्स आने शुरू हो सकते हैं। सो यस पोर्नोग्राफी इज अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन योर माइंड, सो यू नीड टू कंट्रोल दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेट भाई बहुत बड़ी चीज़ है पर पोर्न और ऐसी चीज़ों से आपको अपने आप को बचाना होगा। द थर्ड थिंग हियर जो मेन और वुमेन जो मेन में होता है लॉस ऑफ इंटीमेसी, इंटीमेसी अगर कई कुछ कई पहले एक्टिव थे सेक्सुअली एक्टिव फिर इनएक्टिव हो गए तो कई टाइम तक इनएक्टिव होने की वजह से राइट आपका मान लीजिए कोई जॉब में आप व्यस्त हो गए, करियर स्पोर्ट्स टीम कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोई जिम एकदम कुछ ना कुछ आप करने लग गए और आपका ध्यान जो है सेक्स की तरफ से हट गया तो उसके वजह से भी आपका इच्छा ने लो लिबिडो होता जाएगा। सो ये आगे चल के ऐसी चीजें आ जाती है। दिस इज नॉट अबाउट रिलेशनशिप इंटीमेसी सेक्सुअल, दिस इज बेसिकली जस्ट रिक्वायर एफर्ट्स, आपके खुद के एफर्ट्स आपका खुद का समय और आपकी इच्छा जाग जाएगी। द फोर्थ प्रॉब्लम इज मेडिसिन, दवाइयाँ। कई सारी ऐसी दवाइयाँ खासकर एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, एंजाइटी डिप्रेशन की मेडिसिन जो सेक्सुअल सेक्सुअल डिजायर कम करती हैं राइट। और कई सारे लोगों को इसके साइड इफेक्ट्स कॉमन हो जाते हैं, कईयों को नहीं होते। देन आपको अगर ये दवाइयाँ दी गई हैं आपके डॉक्टर के द्वारा तो बात करिए कि भाई इसकी ज़रूरत है क्या, इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या, आपको दवाई की जरूरत है या नहीं, और उनसे बात करके फिर आप उसको चेंज या बंद, खुद से भी चेंज नहीं करना है ठीक है। तो ये बहुत बहुत सिंपल पहले मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं जो मेन में होती हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि अगर कोई मान लीजिए वायग्रा का मिसयूज करे, वायग्रा या सियालीस या ऐसी चीज़ें हैं आप अगर वो लेने लग जाओगे आपको इतना इरेक्शन आएगा कि आपका जो नॉर्मल इरेक्शन है वो आप में उसको मज़ा आना बंद हो जाएगा आपको एक समय के बाद। तो फिर क्या होगा, फिर आपको नॉर्मल चीज़ में जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्लेजर ले लोगे तो नॉर्मल प्लेजर में कोई मज़ा नहीं आएगा। सो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि भी लाइफ इज़ नॉट अबाउट दी एक्सट्रीम, लाइफ इज नॉट अबाउट सही मात्रा में नमक हो बहुत है ना, सिंपल सिंपल सी चीज़ हो, दैट इज मोर अबाउट इट। सो रिमेंबर डोंट डू एक्सपेरिमेंट्स विथ योर लाइफ इफ यू आर अ मेल। और जब बात आई फीमेल की तो फीमेल में भी लो लिबिडो के अलग अलग कारण है, फीमेल में कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसमें नेगेटिव एब्यूजिव एक्सपीरियंस और बहुत सारे चीज़ें रोल प्ले करती है। नंबर वन इज स्ट्रेस, जी हाँ स्ट्रेस, वैसे मेल में भी स्ट्रेस का फैक्टर है फीमेल में ज़्यादा, फैमिली स्ट्रेस बच्चों का स्ट्रेस काम का स्ट्रेस स्लीप नींद क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें फीमेल के ऊपर इस तरीके के डालती है प्रेशर, जिसके वजह से उनकी सेक्सुअल इंटीमेट एनकाउंटर जो है अफेक्ट होते हैं और उनका लिबिडो कम हो जाता है। दवाइयाँ जैसे एंटी डिप्रेसेंट वो भी लिबिडो कम करेंगी, चाहे कोई भी नींद की गोली हो डिप्रेशन की गोली हो आपका लिबिडो कम करेगी। वेट गेन सेल्फ इमेज आपका लो एनर्जी ये सारे कारण फीमेल में भी है। बर्थ कंट्रोल पिल्स या मीनोपॉज, बर्थ कंट्रोल लेने पे कई बार कईयों के सेक्सुअल डिजायर कम हो जाते हैं और मीनोपॉज यानी कि आपके महीने बंद हो जाने के बाद उस उम्र में जाके आपके धीरे धीरे सारी सेक्स की डिजायर कम होती जाती है, ये सब में होता है राइट। रिमेंबर द पॉसिबिलिटीज कि ये सारी चीज़ें है ही है। फिर देर आर थिंग्स लाइक सेक्सुअल पेन या जिसको कहते हैं डिसपेरानियो, ये फीमेल में ज़्यादा है, मेल में मुश्किल ही होता है ये, मेल में जब तक उस पर कोई कोई रैश ना हो कोई घाव ना हो कोई चोट ना हो कोई फुंसी ना हो तब तक ऐसा नहीं होगा राइट। फीमेल में सेक्सुअल पेन बहुत आराम से हो सकता है अगर कोई स्पेशल उल्टे सीधे रफ सेक्स हो गया, कोई गलत तरीके से सेक्स हो गया, कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशंस ट्राई कर ली तो कभी कभी वेजाइना के अंदर टियर आ सकता है, अंदर ही अंदर कहीं कुछ चीरे आ सकते हैं। सो देर आर एक्चुअली थिंग्स स्ट्रेच होने से
जो फीमेल के होते हैं, बट देन ये बहुत इजीली ट्रीट हो सकता है। कभी कभी बात सिर्फ लुब्रिकेशन की होती है कि सही मात्रा में लुब्रिकेशन नहीं है, तो लुब्रिकेशन लुब्रिकेटिंग फ्लूइड या लुब्रिकेटिंग जेल यूज करने से काम हो जाता है। सो देर आर थिंग्स विच यू कैन डू अबाउट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इन योर सेक्शुअल रिलेशनशिप। ऑल यू नीड टू डू इज लोकेट द प्रॉब्लम एंड टॉक टू योर डॉक्टर, टॉक टू योर पार्टनर फर्स्ट। भाई पहले पार्टनर, कई लोग पार्टनर को ही नहीं बताते, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो बोलते रहते, पेन हो रहा है ये तो बताओ, जो हो रहा है वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट फ्रीली विथ योर पार्टनर अबाउट एवरीथिंग। ए पार्टनर है, कोई वो थोड़ी है, राइट? उससे क्या छुपाना है? सो गेट हेल्प फॉर योर लो लिबिडो। अगर आपका लिबिडो कम है तो डॉक्टर के पास जाओ, ये सब कारण होते हैं। इन सब पे काम करें तो आपके कारण ठीक हो सकते हैं। कुछ चीज़ें अपने बलबूते पे शुरू कर सकते हो आप, कुछ टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन कुछ चीज़ें आप करो। नंबर वन, एक तो एक्सरसाइज करना शुरू करो, एक्सरसाइज प्रोग्राम अपने तरफ से शुरू करिए। उसके अलावा स्मोकिंग ड्रिंकिंग बंद करिए। जी हाँ, स्मोकिंग ड्रिंकिंग का भी डिज़ायर और सेक्स लिबिडो पे इफेक्ट पड़ता है। कोई ट्रिप प्लान करिए, घूमने जाइए पार्टनर के साथ, बच्चों को मत लेके जाइए, बच्चों को दादा दादी के पास या कहीं छोड़ दीजिए, दादा दादी के पास बढ़िया से, राइट? डोंट टेक योर किड्स अलोंग, मस्त अपना फैमिली रोमांस जिंदा करिए वापस अपने लाइफ में। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेट करना शुरू करिए अपनी लाइफ में। मेक श्योर करिए कि आपको रेस्ट मिल रहा हो, स्ट्रेसेस अपनी बॉडी से अपनी लाइफ से स्ट्रेसेस कम करिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर, यू विल बी एबल टू ईजीली गेट आउट ऑफ दिस लो लिबिडो प्रॉब्लम इन नो टाइम। दैट्स ऑल अबाउट लो लिबिडो। इफ यू गेट अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए, हम आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।